आप हमेशा अपने पास रखिएगा, ये आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा सुना जी, अगर ऐसी बात है तो इन्हें आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब आप ठीक रहेंगी हम भी ठीक रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हमारी रक्षा करने के लिए आप तो हैं हमारे पास। हाँ ये बात तो सोना जी आपने बिल्कुल लाजपत की कही, जब तक हम आपके साथ हैं आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। जहां जहां आप जाएंगे ना वहां वहां आपका साया बन के साथ साथ जाते रहेंगे हमेशा। हमें माफ कर देना सोना जी, हम अपना वादा नहीं निभा पाए, नाकाम रहे हम। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और हमें जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा। अरे आप यहां हैं, मैं आपको पूरे घर में देख रही थी। मेरी आपसे एक विनती है, देखिए मना मत कीजिएगा। क्या आज रात आप मेरे कमरे में सो सकते हैं? क्या कहा आपने? मेरा मतलब है मैं फर्श में सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाइएगा। रोज रात को मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कमरे में कोई है। अगर आप खुद एक रात रुक जाएंगे तो आप बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ वो सच है या सिर्फ मेरा दिमागी वहम। देखिए सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसी ढंग से सोचने लग जाऊंगी। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर बता देते हैं, ये आपका दिमागी वहम ही है। इस घर में कोई भूत वूत नहीं है, निकाल दीजिए इन बातों को अपने दिमाग से। बस एक रात रुक जाइए मेरी तसल्ली के लिए, फिर मैं नहीं कहूंगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। कन्हैया बेटा कोई जरूरत नहीं, पर दिन भर तुम काम धाम से थक के आओगे और उसके बाद रात जगा करोगे। अरे हम हैं ना, हम सो जाएंगे चित्रासी के कमरे में, क्यों बेटा? नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों मेरे लिए अपनी नींद खराब करेंगी? अरे चित्रासी बेटा, ये कह के तो तुमने हमको पराया कर दिया। देखो बेटा सुख के तो सभी साथी होते हैं, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो कि दुख की घड़ी में काम आते हैं। इतनी औपचारिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, हम तुम्हारी माँ के जैसे हैं, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं। तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो हम हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हैं बेटा। सही तो कह रही मम्मी जी, मम्मी जी रह लेंगी आपके साथ, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पता नहीं कहां से आके अचानक नाक घुसेड़ती इस बुढ़िया ने बनते काम में सब सत्यानाश कर दिया। माँ जी बत्ती मत बंद कीजिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अच्छा ठीक है बेटा। सो जाओ बेटा। सो शाबाश। कोई नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा है सिर्फ।
चित्रा से, तुम हमारे शरीर को जलाना चाहती थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब हम तुझे जलाएंगे जिंदा। माँ जी देखिए, सोना चल के मेरे पास आ रही है। माँ जी, माँ जी वो मुझे मारना चाहती है। माँ जी देखिए, आपको वो दिखाई नहीं दे रही। माँ जी देखिए। बेटा वहम हो रहा है तुम्हें, कोई नहीं है यहाँ सिवाय तुम्हारे मेरे, कोई नहीं है इस कमरे में। अरे चित्रासी क्या हो गया तुम्हें, ये कौन सा तरीका है? हाँ देखिए देखिए, इसमें खून, फूलदान में खून है। देखिए चित्रासी बेटा, कहाँ है खून? नामे तो कहीं खून नहीं दिख रहा है। क्या हो गया बेटा तुम्हें? अभी तुम कह रही थी कि सोना है ना, सोना है ना, इसमें खून है। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, सोना सोना दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में मोमबत्ती ली, मैंने देखा और मैंने फूलदान मारा, लेकिन देखिए खून है, खून है इसमें, ये देखिए खून। कहाँ है बेटा खून? देखो कहीं खून दिख रहा है तुम्हें? हमें तो कोई खून नहीं दिख रहा। नहीं माँ जी, इसका मतलब सोना मुझे संकेत दे रही थी, वो मुझे खत्म कर देगी। नहीं तो पहले इसमें खून दिखाई दे रहा था और अब गायब हो गया। बेटा भाई, आप हमको तुम्हारी बात सही लग रही है, तुम जो कह रही हो उस बात में दम है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, सोना मुझे मार डालेगी, मुझे मरना नहीं है। माँ जी मुझे बचा लीजिए, ये खून दिखा के उसने इशारा कर दिया, मुझे बचा लीजिए। माँ जी, माँ जी मुझे मरना नहीं है। माँ जी नहीं मरना, माँ जी मुझे मरना। अरे बेटा पहले तो हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, लेकिन मौका मिलते ही हमने वो खून का निशान बिल्कुल मिटा दिया। जी हमें अंदाजा ही नहीं था कि वो फूलदान से हम पर हमला करेगी, हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसीलिए तो हमें थोड़ी सी चोट लग गई और खून का निशान उस फूलदान पर लग गया, और उस वक्त वहां से निकल जाने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। देखो बेटा, हमें आगे बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबरा। देखो भगवान हमेशा उनका साथ देता है जो लोग सही होते हैं, भले थोड़ा टाइम लग जाए, तुम धीरज मत खोना बेटा। मम्मी जी आपको आपको लगता है कि चित्रासी सबके सामने मुंह खोलेगी? खोलेगी बेटा, हमने उसकी आंखों में मौत का डर देखा है बेटा, और ये मौत का डर ऐसा होता है, इसके आगे बड़े से बड़े गुनहगार अपना गुनाह कबूल कर देते हैं। बस हमें हमें उसी घड़ी का इंतजार है मम्मी जी। हम उसको एक और झटका देते हैं, जब सो के उठेगी ना तब पता चलेगा उसे। Thank you.
चित्रा सिंह हुआ क्या बताओ तो सही। अरे नहीं घबराई भी क्यों, क्या हुआ बताओ? क्या हुआ चित्रा सिंह बेटे, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? वो मेरे कमरे में। क्या तुम्हारे कमरे में? अरे बोलो तो सही चित्रा सिंह कुछ। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में? मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे कमरे में कोई है जो मेरी जान लेना चाहता है। मैं सच कह रही हूँ, आप चलिए मेरे साथ और देखिए कोई है जो मुझे जान से मार देना चाहता है। मैं सच कह रही हूँ, चलिए आओ मुन्ना देखते चलिए। आप लोग मेरे साथ आइए आइए। वो मुझे बेटा ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम इतना डर गए? वो यही यही लिखा था, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल इसी जगह पे लिखा था। अरे लेकिन क्या लिखा हुआ था? हाँ चित्रा सिंह बेटे बताओ क्या लिखा था? खून से लिखा हुआ था। खून से? हाँ बाबूजी, खून से लिखा हुआ था यही। अरे लिखा हुआ था वो ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ था ये बताओगी कि नहीं? तुम्हारा अंत नजदीक है। क्या? हाँ, यही। आप लोग मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ, यही लिखा हुआ था इसी जगह पे, बिल्कुल इसी जगह पे। लेकिन बेटा हम तो अभी अभी इस कमरे में आए, तब तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा था। माँ जी यही था, यही लिखा हुआ था। अरे तो अगर लिखा हुआ था तो अभी भी यहीं पे लिखा होना चाहिए था ना, क्या फिजूल की बात कर रही हो तुम? ये सब वो कर रही है, वो मुझे मार देना चाहती है। हाँ, वो मुझे मार देना चाहती है। वो कौन? वो बेटा कौन मारना चाहती है तुम्हें? सोना, सोना मुझे मारना चाहती है। हाँ, सोना मुझे मारना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो चित्रा सिंह बेटे? सोना, सोना जी, अरे चित्रा सिंह तुम्हें क्या हो गया? अरे मुमकिन ही नहीं है कि सोना जी तुम्हें खत्म करना चाहती। अरे ये कैसे हो सकता है, सोना जी इस घर को छोड़ के जा चुकी है। और ये क्या बोल गई मैं, अब क्या करूं? तुम्हारे मन में क्या है चित्रा सिंह बेटे, क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सोना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ भाऊजी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, शायद ये मेरा भ्रम है। लेकिन जब से सोना मिल नहीं रही, तब से ये फूल जलूल बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। मुझे लग रहा है सोना आकर मुझे मारना चाहती है। शायद ये सब मेरा दिमागी ख्याल है। मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि अगर सोना के साथ कोई हादसा हो गया, सबसे ज्यादा बुरा मेरे साथ होगा, क्योंकि उसका सारा गुस्सा मुझ पर था। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसकी वजह सोना ही तो नहीं। बस करो चित्रा सिंह, जो मुंह में आ रहा है सिर्फ अनाप शनाप बोले चली जा रही है। खबरदार, अगर किसी ने सोना जी के लापता होने के बारे में कुछ भी कहा, हम पता करेंगे कि वो कहां है। जहां कहीं भी होगी हम मालूम करेंगे, वो चाहे जहां भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। ये लड़की तो बहुत तेज निकली, बात को घुमाने में बहुत माहिर है। सोना के गायब होने की बात को उठाकर इसने कितनी चतुराई से बचा लिया खुद को। और जैसा कि आखिरी कॉल सोना जी का इस घर से ही किया गया था, जो कोई भी सुराग होगा वो तो हम ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि फोन उसके बाद ऑफ हुआ है। उसका सारा कॉल डिटेल निकालेंगे, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए जिससे पता चल जाए कि सोना जी कहां है। सोना का फोन तो मेरे दराज में, अगर कन्हैया को ये पता चल गया तो सब सामने आ जाएगा, मैं पकड़ी जाऊंगी। अब क्या करूं? हम एक बार फिर इस घर का कोना कोना छान मारेंगे। हाँ कन्हैया बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, हम फोन ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे।
कोना कोना छान मारा लेकिन फोन मेरे को कहीं नहीं मिला। भैया अगर फोन घर में होता तभी मिलता ना, मुझे तो लगता है ही नहीं इस घर में फोन। आप सब लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सोना का फोन घर में ही होगा? ये भी तो हो सकता है कि सोना ने अपना फोन बंद कर दिया और अपने साथ ले गई हो। देखिए हो ना हो, फोन है तो घर में, क्योंकि अभी भी एक कमरे में हम ढूंढना भूल गए। अब कौन सा कमरा रह गया मुन्ना? चित्रासी के कमरे में। भाई हो सकता चित्रासी के कमरे में ही हो गई। लेकिन सोना का फोन मेरे कमरे में नहीं है। जब सोना गई थी तब मैं अपने कमरे में थी और सोना मेरे कमरे में नहीं आई। देखो चित्रासी, बात ऐसी कि हो सकता है कि फोन कहीं दबा रह गया हो, जहाँ से हमें पता नहीं लग रहा हो, घंटी नहीं सुनाई दे रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं रोज अपने कमरे का कोना कोना साफ करती हूँ? अगर फोन कमरे में होता तो अब तक मुझे जरूर मिल गया होता। मैं बता रही हूँ फोन कमरे में नहीं है। तो सोना का फोन चित्रासी के पास है, तभी कन्हैया को कमरे में नहीं जाने देना चाहती है फोन ढूंढने। अरे चित्रासी बेटा, कन्हैया को खोज लेने दो अपने कमरे में फोन, इसको तसल्ली मिल जाएगी। तुम्हें क्या परेशानी है, खोजने दो ना उसे। जाओ बेटा जाओ, इसके कमरे में खोज लो। चलो। नहीं नहीं, इनके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैं खुद ही दोबारा अपने कमरे में देखती हूँ। देखो हम साथ में चलते हैं, हम ढूंढवाते हैं, फोन जल्दी मिल जाएगा। ये तो मानने वाले नहीं है, अब क्या करूं? हे भगवान, आज भेद खुल जाएगा। कुछ करो, कुछ तो तरकीब दो मुझे। चलो। अरे इतना सोच कर रही हो, चलो। सुनिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब लोग सोना का फोन घर में क्यों ढूंढ रहे हैं। सोना अपना फोन यहाँ किसी कमरे में क्यों छोड़ के जाएगी? जरूर उसने अपना फोन फेंक दिया होगा। देखो बात हमें भी समझ में नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, मगर हम सोच रहे हैं कि अगर वो फोन मिल जाए, कोई सुराग हाथ लग जाए, सोना जी के बारे में कुछ तो पता चल जाए। वैसे कहना तुम्हारा भी सही है कि सोना जी को अगर अपना मोबाइल फोन कहीं बाहर फेंकना होगा तो कहीं घर से बाहर फेंकेंगे। पर मोबाइल फोन क्यों फेंकेंगे? फेंकना होगा तो सिम कार्ड फेंकेंगे। देखो इस वक्त हमारी सिचुएशन जो है बहुत अलग है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। इस वक्त स्थिति वैसी है कि जब किसी की कोई चीज खो जाती है तो उसको कुछ नहीं सोचता, वो हर उस जगह खोजने की कोशिश करता जहां पे वो सपने में भी नहीं सोच सकता। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अब क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? पीछे लौट कर नहीं जाया जा सकता, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, फिर क्यों इतना परेशान होना? क्या हो गया जिसे बदला नहीं जा सकता? चित्रासी, जो तुम बार बार ये सब बातें करती हो, तुम कहना क्या चाहती हो? शिशुओं को बदला नहीं जा सकता क्या? इससे पहले ये फोन किसी और को मिले और मैं फंस जाऊं, मैं ये फोन फेंक देती हूँ मैं इसे। चित्रासी,